हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी क्लास फिफ्थ वर्कशीट नंबर ट्वेंटी फाइव इन सोशल स्टडीज सो स्टूडेंट्स इन दिस वर्कशीट वी विल स्टडी चैप्टर इलेवन एंड ट्वेल्व कम्युनिकेशन एंड मींस ऑफ कम्युनिकेशन सो लेट्स स्टार्ट डी चिल्ड्रन ह्यूमंस एंड एनिमल्स ऑल नीड टू कम्युनिकेट बच्चों ह्यूमन्स और एनिमल्स सभी को कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है

नो इट्स आंसर इज नो नहीं बिसाइड ह्यूमन्स ह्यूमन्स के अलावा भी एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो नीड कम्युनिकेशन एनिमल्स को बर्ड्स को सभी को कम्युनिकेशन की जरूरत होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू एनिमल्स एंड बर्ड्स कम्युनिकेट विद ईच अदर किस तरीके से बर्ड्स और एनिमल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं आंसर इज एनिमल्स कम्युनिकेट बाय मेकिंग साउंड एनिमल्स जो है वो साउंड से कम्युनिकेट करते हैं लाइक like रंभाकर एंड बर्ड्स कम्युनिकेट विद द साउंड ऑफ चिरपिंग और जो बर्ड्स कम्युनिकेट करती हैं वो चिरप की यानी कि चींची की आवाज़ से करती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कुछ कम्युनिकेशन के मीन्स लिखिए कि किस किस से हम कम्युनिकेट करते हैं फर्स्ट इज रेडियो नेक्स्ट टेलीफोन टेलीविजन म्यूजिक पोस्टल सर्विस एंड इंटरनेट तो ये सभी कम्युनिकेशन के माध्यम हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज देर आर सेवन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बहुत तरीके के होते हैं क्वेश्चन इज हाउ डज़ अ बेबी कम्युनिकेट अंटिल ही इज और शी इज ग्रो एक बेबी कैसे कम्युनिकेट करता है जब वो बड़ा होता है आफ्टर बर्थ बर्थ के बाद यानी कि जन्म के बाद द चाइल्ड कम्युनिकेट्स विद द क्राई क्राइंग के यानी कि रोने के साथ वो अपना कम्युनिकेशन करता है एंड लर्नस लैंग्वेज फ्रॉम पीपल अराउंड हिम एज ही ग्रोस अप और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो अपनी तरफ जो वो पीपल देखता है लोगों को देख लैंग्वेज को लर्न करता है सीखता है नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस अराउंड यू कुछ कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल लिखिए जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं सो दोज आर न्यूज बुक्स पोस्टर्स मूवीज मोबाइल्स ड्रामाज पपेट्स एटसेट्रा तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन सेवरल हैव द सेम ओरिजिन जब सभी लैंग्वेज की सेम ओरिजिन होती है अ लैंग्वेज फैमिली ऑफ दोज लैंग्वेज इज फॉर्म्ड तो उस लैंग्वेज की एक लैंग्वेज फैमिली होती है भाषा परिवार होता है डिस्कस विद योर फैमिली मेंबर्स अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करिए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर करिए क्वेश्चन इज नेम फोर लैंग्वेज ऑफ द ड्रविडियन लैंग्वेज फैमिली द्रविडियन भाषा परिवार की लैंग्वेज लिखिए सो दीज आर तमिल तेलुगु कन्नड़ एंड मलयालम नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम फोर लैंग्वेजेज ऑफ द सिनो तिब्बत लैंग्वेज फैमिली यहाँ पर हमें सिनो तिब्बत लैंग्वेज फैमिली की फोर लैंग्वेजेस लिखनी है सो दीज आर मिजो लैंग्वेज ऑफ मिजोरम मैथिलियन ऑफ मणिपुर अंगामी लैंग्वेज ऑफ नागालैंड एंड कॉक ऑफ त्रिपुरा दिस इज द मिक्सर ऑफ बंगाली और त्रिपुरी लैंग्वेज नेक्स्ट इज इन एंशियंट टाइम्स एंशियंट टाइम में यानी कि पुराने समय में ह्यूमन सेंट मैसेजेस बाय प्लेइंग ड्रम्स लोग ड्रम बजाकर अपने मैसेज भेजते थे लाइटिंग फायर फायर लाइट करके ब्लोइंग हॉर्न्स हॉर्न्स को ब्लो करके फ्लैशिंग ग्लासेस और होस्टिंग द फ्लैग तो बहुत तरीके के माध्यमों से लोग अपने मैसेजेस सेंड करते थे थिंक एंड राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन अब सोचो और इन क्वेश्चन के आंसर लिखो क्वेश्चन इज इज द चिरपिंग साउंड ऑफ बर्ड्स ऑल्सो कम्युनिकेशन कि क्या जो बर्ड्स की चिरपिंग साउंड होती है चींची की आवाज होती है वो एक कम्युनिकेशन का माध्यम है सो आंसर इज यस हाँ द चिंग साउंड ऑफ बर्ड्स इज ऑल्सो कम्युनिकेशन कि बर्ड्स की जो बर्ड्स हैं उनकी चिरपिंग साउंड एक कम्युनिकेशन ही है नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी नीड कम्युनिकेशन की हमें कम्युनिकेशन की नीड क्यों होती है आंसर इज वी नीड कम्युनिकेशन टू टेल आर था टू अदर्स दूसरों को अपने थाट्स को बताने के लिए एक्सप्रेस करने के लिए हमें कम्युनिकेशन की जरूरत होती है दस और इस प्रकार से कम्युनिकेशन इज अ मीडियम फॉर आर रिलेशनशिप विद अदर पीपल कम्युनिकेशन हमारा दूसरे लोगों के साथ जो संबंध होता है वो संबंध बनाने के लिए एक माध्यम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर द प्रीस्टोरिक वॉल पेंटिंग्स इन द केव्स Also, example of communication, how? कि क्या जो पुराना प्रागैतिहासिकेशन एग्जाम्पल प्रॉल पेपर यस दीज कल प्री हिस्टोरिक वॉल पिक्चर्स डिपेक्टेड हंटिंग आर मेड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द हंटर्स की ये जो प्री हिस्टोरिक कलरफुल वॉल पेंटिंग्स हैं पिक्चर्स हैं जो कि वहां पर बनाई गई हैं ये शिकारियों के हित के लिए जो हंटर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट के लिए बनाई गई हैं नेक्स्ट इज अराउंड टू हंड्रेड ईयर्स आगो लगभग दो सौ वर्ष पहले द पोस्टल सर्विस स्टार्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे संसार में सारे वर्ल्ड में पोस्टल सर्विस स्टार्ट हुई विच कंटिन्यू इवन टूडे जो आज भी कंटिन्यू है जारी है क्वेश्चन इज लेटर टू आपने कभी किसी को कोई पत्र लिखा है वॉट यू हैव टू डू टू सेंड द लेटर आपको लेटर सेंड करने के लिए क्या करना पड़ता है सो आंसर इज इज यस द एड्रेस ऑफ वेयर द लेटर इज सेंड हैज टू बी रिटर्न जहां पर लेटर सेंड किया जाता है वहां का एड्रेस लिखा जाता है एंड द पोस्टेज स्टैम्प हैज बी इंस्टॉल्ड और उस पर जो स्टैंप होता है वो भी लगाना पड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर सीन अ पोस्टेज स्टैम्प क्या आपने कभी पोस्टेज स्टैम्प देखी है वॉट इज इट ये क्या है डिस्कस विद योर फैमिली मेंबर्स एंड राइट अपने फैमिली मेंबर्स से डिस्कस करिए और लिखिए सो आंसर इज द पोस्टेज स्टैम्प इज अ स्मॉल पीस एक छोटा सा पीस होता है टुकड़े जैसी होती है मेड ऑफ एडहेसिव रेक्टेंगुलर पेपर जो कि एक चिपकने वाले रेक्टेंगुलर पेपर की बनी होती है दिस इज द फी फॉर पोस्टल सर्विसेज जो कि पोस्टल सर्विसेज का चार्ज होता है फी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज 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 क्वेश्चन टेलीविजन ऑल्सो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कि क्या टेलीविजन कम्युनिकेशन का एक मीडियम है थिंक एंड राइट सोचो और लिखो आंसर इज यस टेलीविज़न इज ऑल्सो अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कि टेलीविज़न जो है वो कम्युनिकेशन का एक माध्यम है थ्रू दिस इसके द्वारा लाइव और रिकॉर्डेड सीन्स लाइव और रिकॉर्डेड सीन्स जो होते हैं कैन बी सीन इवन इन रिमोट प्लेसेज विथ देयर वॉइस उन्हें आवाज के साथ रिमोट जो कि दूर दराज के क्षेत्र होते हैं उनमें भी देखा जा सकता है Students, if you like this video, please like and share. And if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.